रेफर ऑफर करोगे किसी को? बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, आप रेज्यूमे भेजिए, बिल्कुल कर देंगे। कोडिंग के क्वेश्चन थे सारे? कोडिंग के क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन पूछते थे एक एक इंटरव्यू में? So, जो गूगल का इंटरव्यू है वो 45 मिनट्स का हुआ था मेरे लिए, मतलब हर एक राउंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसी के साथ इंटरेक्शन करने वाला हूँ, वो जो है वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी मैं उनसे मिलवाऊंगा आप लोग को। और बस इतना जान जाओ यार कि वो मल्टीपल कंपनी में, मतलब टॉप मल्टीपल कंपनी में काम किया, नंबर वन पे जैसे आता है रैपिडो में, जोमेटो में, और करंटली इज वर्किंग ऑन द गूगल में, एक साल से गूगल में काम कर रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के देखेंगे क्या है गूगल का, उनका एक्सपीरियंस और जोमेटो और रैपिडो सबके एक्सपीरियंस देखें। वीडियो में बने रही और जल्दी चलते उनके पास विदाउट टाइम वेस्ट किए और उनके थॉट देखते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो यार मैं जिसकी बात कर रहा था गूगल में जो काम करते हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे घर पे, तो इनसे जल्दी से बात करते और इनके एक्सपीरियंस को शेयर करते कि कैसे गूगल का क्या चीज कैसे रहा। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस पहले करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शुभम फॉर इनवाइटिंग मी एट योर लवली प्लेस। सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। Prior to working Google, I have also worked with a company called Zomato and Rapido. Both of them are startups. I'll say Zomato is much a bigger company as compared to Rapido. I did my graduation from LPU. I'm a 2020 pass out student with a specialization in computer science. Right after my college, मैंने Rapido join किया, तकरीबन एक साल काम किया मैंने वहाँ पे, और फिर मैंने Zomato join किया। Zomato में भी आई वर्क लाइक अराउंड आई से 6 months, नॉट रियली अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ ब्रीफ टाइम मैंने काम किया वहाँ पे, एंड देन आई डिड माई स्टार्टअप। सो आई ऑल्सो हैड इंटरेस्ट इन बिल्डिंग अ स्टार्टअप, सो मैंने एक साल स्टार्टअप भी ट्राई किया एंड इवेंचुअली आई गॉट इन टू गूगल। सो दैट हैज बीन माई जर्नी सो फार। तो जैसे गूगल मिल गया, तो फिर जैसे पहली कंपनी आपकी रैपिडो थी, तो क्या आपने कॉलेज से ही डायरेक्ट रैपिडो में ही गए, कॉलेज के थ्रू लगी थी या फिर ऑफ कैंपस, कैसे ट्राई किया था रैपिडो में? हाँ, सो कॉलेज में जो मेरी जॉब लगी थी वो एक कंपनी थी जिसका नाम है हैचडी, आई थिंक राइट नाउ इट इज़ बीइंग एक्वायर्ड बाय डेलॉयट। सो मैंने कुछ वहाँ पे 2 महीने इंटर्नशिप की कॉलेज से डायरेक्टली, एंड आई हैड द फुल टाइम ऑफर, बट समहाउ आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, आई मीन नॉट रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद सर्विस टाइप ऑफ कंपनीज। इट इज़ अ सास कंपनी टू से, माई इंटरेस्ट वॉज टू गेट इन टू product based companies or to work with bigger MNCs like you know Microsoft, Google and all this kind of stuff. So I had ki mujhe pehle se hi thoda sa ye tha, to fir maine chhod ke fir main college mein jaake fir maine programming ki और फिर मैंने ऑफ कैंपस ट्राई करके रैपिडो निकाला। मतलब हैचडी के बाद, फिर हैचडी में काम करने के बाद वापस से आप कॉलेज गए? कॉलेज गया। अच्छा, मतलब हैचडी छोड़ के कॉलेज गए, कॉलेज में फिर कोडिंग स्टार्ट किया? हाँ जी। कोडिंग मतलब कितने, मतलब पहले से स्टार्ट, फर्स्ट ईयर से कोडिंग नहीं किया था? फर्स्ट ईयर से कोडिंग नहीं किया था मैंने, सेकेंड ईयर के मिड से कोडिंग स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आई डिडंट स्टार्टेड कोडिंग बिकॉज ऑफ यू नो प्लेसमेंट एंड ऑल। मेरा मकसद उस टाइम पे ये था कि मुझे अच्छा लगता था वो चीज। उस टाइम कॉलेज में काफ़ी नया भी था ये चीज़, इतना ट्रेंड नहीं था हमारे कॉलेज में, तो मैंने स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगता था जब मैं कॉन्टेस्ट में बैठता था, रेटिंग्स आती थी, क्वेश्चंस आप सॉल्व करते थे, तो दैट इवेंचुअली मुझे अच्छा लगने लगा, और फिर बाद में पता चला कि इससे प्लेसमेंट भी होती है, तो वैसी जर्नी रही। तो कॉलेज में मतलब जब कॉन्टेस्ट, कहाँ कहाँ पे देते थे आप कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट सबसे पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म है, शायद अभी भी एग्जिस्ट करता होगा, एक था डेयर टू कम्पीट करके। अच्छा। आई थिंक इट इज समथिंग लाइक अनस्टॉप नाउ। सो वहाँ पे मैंने कुछ कॉन्टेस्ट लिस्ट होते थे वहाँ पे, वहाँ पे मैंने पहली बार ट्राई किया। फिर आई स्टार्टेड विद हैकर रैंक, हैकर रैंक, हैकर रैंक पे मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया बहुत बेसिक लेवल से। देन आई इवेंचुअली वेंट टू कोडशेफ, कोडशेफ पे काफी अच्छे कॉन्टेस्ट, लॉन्ग चैलेंजेस, शॉर्ट चैलेंजेस, तो ये सब किया मैंने। ओके, मतलब कोर्ट से सारे कॉन्टेस्ट यही दिया है ना? हाँ। तो फिर वही साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहे आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, है ना? तो कौन से ईयर में थे जो आपने कंपनी निकाली रैपिडो? मैं तो कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब मैंने रैपिडो ज्वाइन किया था, मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था, नॉट एज अ फुल टाइम। तो मैंने कुछ 4-5 महीने इंटर्नशिप की और कुछ 6-7 महीने लगभग मैंने वहाँ पे फुल टाइम भी किया। तो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब रैपिडो का? रैपिडो का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आई विल से इंटर्नशिप का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इजी था। मतलब दे आस्क्ड मी कपल ऑफ क्वेश्चंस अराउंड डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बोल सकते हैं कोडिंग के ही डिपेंड था पूरा। हाँ, कोडिंग के ही डिपेंडेड था, बट इतना टफ नहीं था निकाल, मतलब हाँ इंटर्न के थोड़ा इजी होता है, मतलब टोटली डिपेंड था कोडिंग पे। हाँ, आई बिलीव इट वॉज जस्ट लाइक 20-30 मिनट्स कॉल, दैट्स इट।
उसके बाद फिर रैपिडो में क्या ऐसा हुआ कि आपको जोमेटो ज्वाइन करना पड़ गया, मतलब एक साल में ऐसे? रैपिडो में बढ़िया चल रहा था, मतलब आई वॉज एंजॉइंग द वर्क टू बी ऑनेस्ट. The kind of responsibilities I had, जो impact मैं बना रहा था उस कंपनी में, इनफैक्ट काफी ऐसी सर्विसेज थी जिनको मैं इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहा था. पर फिर मुझे ऐसा लगने लगा क्योंकि यू नो द मार्केट वॉज रियली बूमिंग एंड पीपल वेर गेटिंग इन टू टॉप कंपनीज एंड यू हैड दिस इनसिक्योरिटी की आई हैव टू टारगेट अ बिगर कंपनी नाउ. तो मुझे लगा कि यार रैपिडो है, ब्रांड वैल्यू अच्छी बात है, बट मेरे को उससे भी बड़ी कंपनी में जाना था. I wanted to work for a larger scale. तो वो सोच के मैंने फिर ट्राई करना स्टार्ट किया. जोमैटो लकीली निकल गया, और भी दो चार कंपनीज में मैंने ट्राई किया था. अनअकैडमी थी कंपनी. आई एम नॉट जस्ट गेटिंग द नेम्स, बट देयर आर गुड नंबर ऑफ कंपनीज दैट आई ट्राइड फॉर. बस फाइनली जोमैटो आपकी निकल गई. हाँ, तो उसके भी सारे कोडिंग राउंड पे हुए थे या फिर कुछ अलग से चीजें पूछे थे? कोडिंग राउंड था, मशीन कोडिंग या फिर कैसे, किस टाइप के क्या थे? मशीन कोडिंग नहीं था, मतलब आई थिंक फर्स्ट टू राउंड्स वेर DSA. दी लास्ट राउंड वॉज प्राइमरीली आई विल से कि थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. अच्छा, उसके बाद HR, मतलब टोटली चार राउंड के आसपास हुए. हाँ, तीन चार राउंड हुआ था आई बिलीव. जोमैटो में पांच छह महीने, कितने महीने काम किया आपने? जोमैटो में छह महीने, लगभग छह महीने काम किया मैंने. तो जोमैटो में इसलिए भी कम काम किया मैंने क्योंकि आई थिंक उस टाइम कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था. अच्छा. And I was working from home and I was not used to working from home because college में भी रहा, hostel में रहा, घर से दूर है, and then फिर आप घर पे चले जाओ, then आपके घर वाले हैं, you have to be with them, work, you know, आप घर पे हो, साथ में घर वाले भी हैं, तो थोड़ा सा difficult हो रहा था मेरे लिए घर पे काम करना. And I thought कि okay, let me go out somewhere, let me do something else. और फिर जब आप घर पे रहते हो, अकेले रहते हो, आप you have a dedicated room, then you start exploring things. और इवेंचुअली मेरे हाथ स्टार्टअप लग गया. हाँ. मैंने स्टार्टअप में काम भी किया, स्टार्टअप के काफी मैट्रिक्स में जानता भी था उस टाइम तक. अच्छा. और काफी क्लोज, मतलब आप जोमेटो में इसी मतलब डिजाइन के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, है ना? हाँ, डिजाइन के ऊपर कह सकते हो, मतलब नॉट रियली ऑन अ हाई लेवल आई से, बट यस आई वाज. तभी आपका माइंड स्टार्टअप की तरफ गया वहां से. हाँ, हाँ, तो रैपिडो से ही मैं स्टार्टअप को इतना क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि हाउ स्टार्टअप इंडस्ट्री इज एक्चुअली वर्किंग. रैपिडो में मुझे याद है कि हमारा एक AHM सेशन हुआ करता था जिसको ऑल हैंड्स मीट कहते हैं, एंड वेयर द फाउंडर्स, द को फाउंडर्स यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू टेल यू लिटरली कि ओके व्हाट वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द प्रॉफिट मार्जिन्स, यू नो बिजनेस के रेवेन्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट के क्या और भी आगे चीजें हैं. सो दैट एक्चुअली मेड मी रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड एनकरेज. थोड़ा सा एनकरेजमेंट वहां से आया, थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा एक फैमिली का एक जीन भी था क्योंकि माय फादर इज इन बिजनेस. सो आई थॉट कि लेट मी गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो उस लिहाज से फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्टअप भी कर लेते हैं. तो मतलब छह महीने में जोमेटो छोड़ दिया. जोमेटो मैंने, मतलब एक आपने बहुत अच्छा, मतलब गट्स सब चाहिए यार इसके लिए कि स्टार्ट अच्छी खासी कंपनी छोड़ के अपनी स्टार्टअप की तरफ बढ़ना. तो स्टार्टअप की कौन सा स्टार्टअप, क्या करना चाहिए स्टार्टअप में? बिल्कुल बिल्कुल. पहले तो मैं आपका पहला जो आपने स्टेटमेंट का उसको काउंटर करना चाहूंगा. आई डोंट फील कि इट नीड गट्स टू एक्चुअली स्टार्ट अ स्टार्टअप. द थिंग इज कि आई वाज क्वाइट यंग, आई एम स्टिल यंग एंड लाइक इन माय 20s. तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही है, मतलब यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर करियर, आपके पास एक साल मैंने शायद काम किया था तकरीबन उस टाइम तक. और मैंने सोचा कि यहाँ पे भी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. अगर मैं स्टार्टअप में जाता हूँ तो वहां पे भी कोई लॉस नहीं है, इवेंचुअली आई विल बिल्ड सम एक्सपीरियंस एंड गेट आउट ऑफ इट एट द एंड ऑफ द डे. तो वो सोच के मैंने कहा, और फैमिली की तरफ से कोई ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं थी. हाँ, ये प्लस पॉइंट था मेरे पास. काफी लोगों के पास ये होता है कि when they get out of the college, they have to take care of their families, they have to take care of all those basic liabilities and all. But मैं वहां से free था, तो that gave me this flexibility कि I can experiment. तो उस हिसाब से फिर मैंने स्टार्टअप किया. और मुझे जहां तक लगा था कि मैं बहुत चीजों के बारे में सोच रहा था. आई वॉज थिंकिंग टू बिल्ड अ एप्लीकेशन दैट कुड डिलीवर ग्रॉसरी, समथिंग लाइक दैट, वेजिटेबल्स इन माय सिटी एटलीस्ट, क्योंकि मेरे सिटी में इतना क्रेज नहीं है एप्लीकेशंस को लेकर. आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी राइट नाउ, अभी है काफी चीजें बढ़ गई वहां पे भी, बट उस टाइम तक मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी चीजें बनाऊं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सपेरिमेंट करूं. फिर मुझे लगा कि इन सब चीजों में एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी चीज से स्टार्ट करता हूं जिसमें फेल होने के चांसेस कम है. तो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कई एडटेक स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर रखा था एज एन इंस्ट्रक्टर. तो मुझे काफी कॉलेजेस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी था. मैंने
कॉलेजेस लाइक KEC, GL बजाज जो एडटेक कंपनी के साथ में एसोसिएटेड था, तो वहां पे जाके मैंने एक्सपीरियंस किया था हाउ दिस टीचिंग इंडस्ट्री वर्क्स. सो उसको लेके मैंने सोचा कि ओके लेट मी गेट इनटू टीचिंग. तो फिर मैंने इसी के अराउंड फिर स्टार्टअप अपना टीचिंग जैसा ही किया, टीचिंग जैसा ही पढ़ाएंगे ऑनलाइन, है ना. हां हां, तो आई विल बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कुड गेट इनटू यू नो लर्निंग DSA एंड ऑल. That was the primary focus and get into eventually bigger companies or top tech companies. So उस हिसाब से फिर मैंने startup किया. तो आपने मतलब आपको सोचे होंगे कि चलो यार DSA पढ़ा ही रहे हैं, startup है, अगर startup से कुछ नहीं होता DSA preparation है ये, तो कोई ना कोई इसके बाद company crack कर लेंगे, है ना. हाँ हाँ, ऐसे चीजें सोच के आपने किया startup. हाँ, मतलब ये सोच के भी किया और मुझे लगा कि ये relatively easier है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं कोई नया डोमेन एकदम एज सच एक्सपेरिमेंट करूँ तो वहां पे चैलेंजेस भी हैं और प्लस क्या है कि डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है. और यहाँ पे मेरा प्री एक्सपोजर था, तो वो सोच के मैंने कहा कि चलो फिर इसी में पहले ट्राई कर लेते हैं, पास हुआ तो फिर किसी और जगह डाइवर्ट कर लेते. तो कितने साल मतलब स्टार्टअप में काम किया आपने, अपना अपना स्टार्टअप खुद का किया, कितने साल? लगभग एक साल मैंने स्टार्टअप किया. स्टार्टअप करने से पहले तो नहीं पता था कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, बट वेन यू गेट इन टू दिस ओशियन एंड It's not just about you know building a product, but it's also about building a team. You know, like आपको अपने आप को market करना है, अपने product को ले जाना है. Then you have to take care of all the financial hurdles that you go through. क्योंकि आप savings पे टिक रहे हो. मेरे पास थी I think कुछ 2-4 महीने की savings थी, but I think that was enough. उतनी savings पे we still can do a good number of things. बट इवेंचुअली काफी एक्सपेरिमेंट किया हमने, काफी कुछ स्टार्टअप चला भी ठीक ठाक. हाँ, मतलब स्टार्टिंग के 4-5 महीने हमने अच्छे चलाए. वी डिड अ गुड आई विल से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आल्सो, बट फिर वो एक स्केल पे जाने वाला काम नहीं बन रहा था हमारे लिए. अच्छा. एंड देन फिर और भी चीजें ट्राई की, फिर इवेंचुअली फिर लगा कि अब चलो जब यहाँ पे नहीं बन रहा है मे बी देन आई रियलाइज कि आई माइट नीड मोर ग्रूमिंग, I might need more skill set, I might need more connections. तो उस चीज को सोचते हुए फिर मैंने कहा कि let me hold on for a while. I'm still not sure कि startup is really for me. If I'm really, you know, have that zeal कि मैं एक बड़ी company बना सकता हूँ, तो उस चीज को लेकर मैं सोचा कि चलो let's park it for a while and maybe I'll think again in future. But अभी कोई plan नहीं है. So I'm currently working full time here. तो फिर उसके बाद स्टार्टअप को रोका आपने, फिर वहां से इंटरव्यू मतलब कंपनी ढूंढना स्टार्ट कर दिया, है ना. हाँ हाँ. तो मैं, जब आपने उसी समय आपको गूगल मिले, तो उस समय कितने ऑफर मतलब थे कि डायरेक्ट बस एक ही था गूगल का? हाँ, तो सबसे पहला तो प्रोसेस मेरे पास ये था कि मुझे स्टार्टअप हैंडओवर करना था. हाँ. कि नाउ आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद इट. तो आई हैड माई अदर टीम्स एंड दे वर काइंड इनफ टू यू नो टेक दिस अप एंड दे आर स्टिल डूइंग इट एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट. And my personal goal was to again get into this financial security zone, क्योंकि initially I didn't realize it how important it is, but now I realize I have this feeling कि अच्छा ये चीज जरूरी है. So I started applying for companies. Microsoft reached out to me. I just opened my LinkedIn profile कि I'm open to work, and a couple of recruiters reached out to me. Microsoft being one. I don't remember the name. Paytm or Postman was there. Okay. I gave interview for Postman. Google was one of the company. तो Google ने खुद आपसे connect किया था? हाँ जी हाँ. And there is this the company that you're working for, SD, which is sorry, One Championship. I forgot the name. इधर भी apply किया था? Yes yes. So इनके भी recruiter reach out किए थे मुझे, and I got rejected in I think final HR round. That was managerial round, something like. अच्छा, manager round से आप reject हो गए मेरी company में? हाँ साहब. So I think I am not sure what could be the judgment or evaluation, but as per my understanding कि I had a multiple switch, like you know मैं पहले स्टार्टअप इंडस्ट्री में था, एंड देन आई गॉट इनटू बिल्डिंग अ स्टार्टअप, एंड नाउ अगेन आई एम कमिंग इनटू कॉर्पोरेट इंडस्ट्री. सो दैट काइंड ऑफ यू नो थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन जो दिख रहा था उनको कि बराबर नहीं है, तो उस लिहाज से मैं भी दे माइट हैव रिजेक्टेड मी. वन फिट प्लस करके कंपनी है, उनका मैंने इंटरव्यू दिया. पोस्टमैन के आई थिंक लास्ट राउंड या सेकेंड लास्ट राउंड में मैं ड्रॉप आउट कर गया, बिकॉज माई गूगल इंटरव्यू वॉज गोइंग ऑन. अच्छा. तो उस टाइम चल रहा था. माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट राउंड के बाद ड्रॉप आउट हो गया, तो ये सब चला था. अमेजन के भी रिक्रूटर ने रीच आउट किया था. आई थिंक अमेजन का मैंने टेस्ट दिया था, इंटरव्यू राउंड तक शायद मेरा हो चुका था गूगल में. एंड एज फार एज माई प्रेफरेंस वॉज कंसर्न, मैं गूगल को लेकर ज्यादा वो था, डिवोटेड.
तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी गो विद गूगल। तो मतलब गूगल के साथ और कोई मतलब किसी को कंपनी को किसी को मतलब पूरा फुल टाइम नहीं किया, मतलब प्रोसीड नहीं किया इंटरव्यू प्रोसेस, बस गूगल का ही एक किया है ना? हाँ, गूगल का ही लिया। देयर वाज वन स्टार्टअप व्हिच ऑफर्ड मी टू जॉइन देम, इट्स कॉल्ड ओयला, इट्स लाइक अ सिमिलर टू मिंत्रा और समथिंग बट नॉट रियली मिंत्रा। वो कुछ आपके जो क्लोथ्स हैं उनको आप किसी को दे सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड एक्सचेंज समथिंग कुछ वैसा था, आई डोंट रियली एग्जैक्टली रिमेम्बर। मतलब फिर स्टार्टअप निकली थी आपके, लेकिन आपने फिर सारे साथ गूगल के इंटरव्यू चल रहे थे। हाँ, तो स्टार्टअप्स के ऑफर्स थे, दे वेर आई थिंक गुड ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस ऑल्सो, एंड स्टार्टअप इंडस्ट्री यू नो इट्स लाइक really funded, so वो तो वैसे भी होना ही है, but I thought कि okay now let me get a little peace, let me get a little structured process, structured learning, structured career, so I thought कि Google would be the right place. तो Google के मतलब कितने round हुए, कैसे start किया, मतलब पहले test आए थे या फिर पहले interview schedule हुए थे, कैसे आप Google के बारे में कुछ? हाँ जी, तो पहला जो Google का round हुआ था वो था एक telephonic round, so the person who was the recruiter reached out to me and he just gave me a call कि okay can we connect. उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें पूछी कि क्या करते हो आप एंड यू नो आपका एक्सपीरियंस एंड आपका करियर अभी तक क्या रहा है। सो इट वॉज लाइक अ 15-20 मिनट्स कॉल, यू कैन कॉल इट लाइक एन इनिशियल स्क्रीनिंग, एंड देन दे टोल्ड मी कि दे वुड बी कंडक्टिंग अ गेटवे राउंड, द फर्स्ट राउंड एल से, और उस फर्स्ट राउंड में यू विल बी इवेल्युएटेड फॉर DSA। अच्छा। एंड इफ यू क्लियर दैट राउंड you would go for next couple of round, like जब मैं interview दे रहा था तब ये process था, it might have changed, so वो first round के बाद we will go through four more rounds and then after those four rounds you will get the verdict कि आपका एक evaluation होगा by the committee and they will tell you कि whether they are hiring you or not, so eventually I think 5-6 rounds हुए थे, मतलब telephonic round में 4 round DSA के हुए थे, एक आपका गेटवे, 3 DSA, हाँ 4, और एक आपका गूगलीनेस। गूगलीनेस। हाँ। तो DSA पे जो हुए थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस अगर मतलब पूछे थे कोडिंग के? खाली कोडिंग के क्वेश्चन थे सारे? कोडिंग के क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे एक इंटरव्यू में? सो जो गूगल का इंटरव्यू है वो 45 मिनट्स का हुआ था मेरे लिए, मतलब हर एक राउंड, एंड इन दैट 45 मिनट्स इट वॉज लाइक यू वुड बी गिवन अ क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द ऑप्टिमाइज अप्रोच, इट्स गुड आप ऑप्टिमाइजेशन पहुंच पा रहे हो और आपने कोड लिख दिया, एंड देन देयर वुड बी अ फॉलो अप क्वेश्चन और देयर वुड बी अ सेकंड क्वेश्चन, सो इट्स एक्सपेक्टेड कि आप दो क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो इट्स वेल एंड गुड, यू वुड गेट अ गुड रेटिंग, और ये सिमिलर अप्रोच था बाकी चार राउंड आगे जो थे उनके लिए भी, और इवन गूगलीनेस राउंड भी, मतलब इट्स लाइक अ वेरी टाइम्ड एनवायरमेंट कि आपको 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और गूगल ने इस राउंड में, उसके बाद DSA के बाद क्या राउंड में? DSA के बाद मतलब वही उसमें इन चारों राउंड्स में जो आपके पहले DSA, बाकी 3 DSA और एक गूगलीनेस, एंड देन देयर इज अ हायरिंग कमिटी व्हिच टेक्स केयर ऑफ ऑल योर इवैल्यूएशन दैट हैपेंस, ये अपने क्या जितने इंटरव्यू थे उसके सारे रिजल्ट, उनके सारे रिजल्ट्स, एंड देन दे वुड कम अप विद अ वर्डिक्ट ओके वेदर दे हैव टू हायर यू, एंड देन टीम मैपिंग विल हैपन एंड ऑल दोस स्टफ, सो वैसे हुआ। In terms of the difficulty of the questions, I would say it was good. अगर बात करें कि lead code के हिसाब से बात करें तो lead code पे hard level की problem पूछे थे कि आप medium तक? Not really hard. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा hard हो भी सकते हैं, मतलब it's my judgement. Like जो देखा जाए तो priority ज्यादातर medium level का ऐसा? Medium plus कह सकते हो। The follow up question that you will get might be hard, but it would be like medium hard के आसपास rotate करेगा। Like people will not give you to you know like reverse an array, वैसा question नहीं होगा, it would obviously be a good question, नहीं कि new question मिलेंगे वहाँ, fresh question सारा मिलेंगे, है ना? Question similar होंगे लेकिन थोड़ा सा changes होंगे उसमें। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हो, but I felt कि the questions were exclusive, in terms of the framing also, in terms of the concept, you have to figure out the concept, कि वो question में concept लग क्या रहा है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन थे, मतलब अगर आपके DSA के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप गूगल के राउंड बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यार एक साल स्टार्टअप करने के बाद मतलब आप ऑब्वियसली गूगल में काम करें तो DSA बहुत अच्छा हुआ, तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से किया आपने, क्योंकि DSA तो छूट चुकी होगी स्टार्टअप में थोड़ी बहुत, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए कहाँ से किया आपने कि गूगल में ऐसे अच्छा खासा हो गया फिर? राइट, सो ये आप सही कह रहे हो, क्योंकि वेन यू एक्चुअली गेट इन टू स्टार्टअप you think कि okay it's a coding startup, I might be involved into coding, but that was a very small part of my role in the startup. I was majorly involved into कि यार आगे जो हम course launch कर रहे हैं या the product that we are building,
the team that we are hiring, business and all. So, वो जितने non-tech stuff थे, उनमें मैं ज़्यादा involved हो गया था. And थोड़ा सा यहाँ से connect कम हो गया था. But since I was in sync with this, वो आपका DSA and all, already मैं पढ़ाता भी था. ऐसे नहीं कि मैं startup कर रहा था तो I was not teaching. I was the only instructor with my startup at that time when I did the startup. So I was taking like 2 batches a day, like 4 hours of teaching every day. Minimum 4 hours of teaching. Plus you have this one-on-one mentorship, you have guidance, interviews and all. So वो चीज़ मुझे sync में रखा हुआ था. So Google के interview के लिए ऐसा तक मुझे prepare करने की ज़रूरत नहीं थी. In fact मेरा जब call था उसके कुछ हफ्ते भर बाद ही मेरा first round था. तो आई डिडंट इवन आस्क देम कि मुझे ज्यादा टाइम दो या एक्सटेंडेड टाइम. आई वाज क्वाइट फ्लेक्सिबल. पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो गई थी. हाँ, मतलब सजेस्ट करना चाहो कि बाकी जो पब्लिक देखेगी कि उनको मतलब अगर आपकी भाई प्रैक्टिस थी लोगों को कहाँ से प्रैक्टिस करना ज्यादा बेस्ट होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो देखो यार, मतलब मेरे साथ ऐसा सीन था ना कि पढ़ाते प्रैक्टिस तो बाद में हुई थी. मोस्ट ऑफ माई वर्क हैज बीन डन इन कॉलेज इटसेल्फ. तो व्हेन आई स्टार्टेड माई कोडिंग जर्नी इन सेकेंड ईयर, I had very few of my friends who were interested in programming and TS, क्योंकि इतना क्रेज नहीं था उस टाइम पे. This was the time I think 2017 और 2016 का एंड, आज से छः साल पहले के आसपास की बात है. तो उस टाइम पे जो मेरे 2-3 रूममेट थे वो काफ़ी अच्छे थे और वो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे. भले कैंपस में 1-2 ही इवेंट हो रहे बट हम कोडिंग वाले इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करते थे. तो वहाँ पर जो इतना एफर्ट हमने पुश किया था अपने आप को, वो हमें एक क्लैरिटी दे गया था फंडामेंटल लेवल पे. इवन आई रिमेम्बर कि आई डिड अ कोर्स फ्रॉम NPTEL, MHRD's NPTEL ऑन C++. सो व्हेन यू डू कोर्सेज लाइक दैट, आपकी बेसिक लेवल पे ब्रशिंग हो चुकी है, आपकी बेसिक लेवल पे ग्रूमिंग हो चुकी है. यू नो कि गिवन समथिंग यू आर एबल टू राइट इट इन कोड. दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. लाइक इफ वी आर कम्युनिकेटिंग, इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद योर ऑडियंस, दे वुड ऑब्वियसली नो कि हम क्या बात कर रहे हैं. दे हैव द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. लेकिन जब मेरे को यही नहीं पता है, काफी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जब मैं भी पढ़ाया हूँ और अभी भी कभी मुझे टाइम मिलता है किसी को गाइड करने का, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप पहले किसी लैंग्वेज पे अपना कमांड बना लो कि यू शुड नो कि मेरे पास कोई एल्गोरिथम है, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कोड में. तो ये वाला प्रोसेस मेरा सेकंड ईयर तक हो गया था. थर्ड ईयर के बाद फिर मैंने खाली कोड करना ही स्टार्ट किया. मतलब कि आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू टॉपिक्स लाइक डीपी, रिकर्जन, यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट. मतलब टॉपिक कवर किया. हाँ, टॉपिक कवर किया. पहले तो मैंने 1 साल पूरा अपने बेसिक्स ग्रूमिंग पे ही काम किया. तो मतलब कोई ऐसा सच प्लेटफॉर्म की अभी जैसे सपोज करो कि अभी तो कॉलेज वालों के लिए ठीक है टाइम है, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन सपोज अभी कोई कंपनी चेंज करना चाहता है, काम कर रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे आजकल लीड कोड है, करत है, करन, जो बहुत सारे चले, तो आपके साथ बेस्ट कौन सा होगा प्रैक्टिस के लिए? लीड कोड इज द बेस्ट. लीड कोड मतलब बेस्ट है जहाँ पे आप मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन करके काम हो सकता है ना. बिल्कुल. लीड कोड मैं ये कहूंगा इसलिए भी क्योंकि लीड कोड पे आपका फायदा ये है कि इट्स अ फंक्शनल कोड, राइट? गिवन द क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन, यू जस्ट हैव टू राइट द कोर लॉजिक, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट कि इनपुट क्या लेना है ये वो. सेकंड थिंग्स कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, काफी बार इंटरव्यूज में जब मैं बैठा हूँ, नॉट इन गूगल ऑब्वियसली, इन अदर कंपनीज, तो वो लोग सीधा लीड कोड का क्वेश्चन ही लेके मेरे को दे रहे हैं कि मतलब सीधे लिंक वहां दे देंगे, हमारे सामने स्क्रीन शेयर करो, हाँ, इसको. हाँ, मेरे साथ भी हुआ है. और काफी बार ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन सॉल्व है. हाँ, जब मैं वो कहते हैं कि सबमिशन खोलो तो वहां पे दिखा रहा होता है कि आपने सबमिट किया. हाँ. तो ये एक फायदा है कि अगर आप लीड कोड कर रखे हो तो आपको फेमिलियर क्वेश्चंस मिलेंगे. और लोग बोलते भी लीड कोड पे जितने क्वेश्चन है वो सारे कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन. तो यार काफी रिफाइन फॉलो करो, काफी वहां से करो. बिल्कुल बिल्कुल. तो यही रही गूगल की आपकी जर्नी पूरी ओवरऑल. तो करेंटली आपको कौन सा ऑफिस मिला गूगल में? मैं करेंटली बैंगलोर ऑफिस में काम कर रहा हूँ. सो आई थिंक इट्स बीन लाइक एन ईयर ऑलमोस्ट, गोइंग टू बी एन ईयर ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ. तो 1 साल मुझे कंप्लीट हो जाएगा गूगल ऑफिस बैंगलोर में. तो मतलब कैसा है वर्क कल्चर, कैसा? लोग बोलते हैं गूगल में कि भाई पैसे देते हैं तो काम बहुत ज्यादा लोड होता है, तो आपके हिसाब से क्या है मतलब? देखो, पैसे देते हैं, ये कितने देते हैं ये तो एक निजी समस्या है कि मतलब यू इवैल्यूएट बेस्ड ऑन योर रिलेटिव जजमेंट कि हाउ मच यू आर गेटिंग. बट या, इट ऑब्वियसली पेस यू कॉम्पिटिटिव सैलरी. आपके हर तरीके से आप कवर्ड होते हो. यू गेट योर सैलरी, यू गेट योर बोनस, यू गेट योर स्टॉक्स एंड एवरीथिंग. बट मोर देन दैट, व्हाट आई फेल्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी इन टर्म्स ऑफ माई करियर was the people that I have interacted with in Google, the connections that I have made. I have interacted with people who are from, you know, like diverse background, people from diverse colleges background as well. I am from like a not really an IIT college, but yeah, a good college I'll say.
सो मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला एंड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड द काइंड ऑफ वर्क कल्चर दैट गूगल हैज इज रियली एक्सक्लूसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत बढ़िया है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है, करियर ग्रोथ बहुत बढ़िया है. इनिशियल फ्यू मंथ्स जो मेरे कुछ थे गूगल में, न्यूक्लियर पीरियड जो होता है गूगल का 6 महीने, बहुत बढ़िया से कटा. मतलब टीम वो भी काफी अच्छी है, लोग हेल्पफुल है वहाँ पे, है ना? बहुत हेल्पफुल, बहुत ही अप्रोचेबल है. 6 महीने आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा उस न्यूक्लियर पीरियड में, और उस चीज के वजह से आई एम एबल टू नाउ यू नो गेट इन सिंक विद माई वर्क एंड एबल टू मेक मैक्सिमम इम्पैक्ट. तो यार आप लोग देखे, मैं हरे कृष्णा के साथ बात किया, इन्होंने जितने रैपिडो जोमेटो और बाकी जो कंपनी थी, इनफैक्ट मेरे कंपनी में इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ था, फाइनली गूगल में काम किया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, थैंक यू हरे कृष्णा हमारे चैनल पे, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और लोगों को बताया कि यार कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस गूगल पूछती है, कितने राउंड होते हैं, कितने राउंड का एक मिनट होता है, ये सब सारी चीजों को बताया. थैंक यू सो मच यार हरे कृष्णा. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट वर्ड? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू शुभम फॉर इन्वाइटिंग मी एट योर प्लेस, एंड थैंक यू टू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो. I wish all of you all the best in your career, and thank you once again. Bye bye. तो यार रेफर ऑफर करोगे किसी को? बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, आप रेज्यूमे भेजिए. तो ठीक है यार, मैं डिस्क्रिप्शन पे इनका लिंक्डइन का लिंक दे दूंगा, वहां पे भी कनेक्ट होना चाहते कनेक्ट हो जाए. बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.